मान लो एक ओवर ब्रिज है, तो एक सड़क जा रही थी, फिर ऐसे ब्रिज आ गया, ठीक। एक मोटरसाइकिल वाला इस ब्रिज के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, चलो ये चढ़ा देते हैं, ये मान लो बाइक वाला है, पर बाइक बनाई नहीं मैंने, चलो गाड़ी ले लो, बाइक ले लो, कुछ भी ले लो, कोई बॉडी ले लो। तो ये क्या कर रहा है, ये ऊपर चढ़ रहा है विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। तो वी की वैल्यू इसमें क्या रखनी है, स्पीड क्या रखनी है, कॉन्स्टेंट है, मतलब आप बस कुछ ना करें, आप एक ब्रिज लें और अपनी गाड़ी का क्रूज ऑन कर दें, वो अपने आप ऑटोमेटिक करती रहेगी। तुम्हारी स्पीड 60 किलोमीटर पर आ रहा है तो हमेशा 60 ही रहेगी, तो तुमने रेस ऐसे देनी है कि 60 60 60 ही रहे, सही हो गया। तो इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे किसी भी इंस्टेंट पर देखो, इसका जो ओवरब्रिज है उसका सेंटर कहीं नीचे मिलेगा आपको, सेंटर कहीं वर्चुअल नीचे मिलेगा, और ये जो मोटरसाइकिल या जो गाड़ी आ रही है किसी भी इंस्टेंट पर एंगल कितना है, थीटा। तो जैसे जैसे ये गाड़ी वाला ऊपर जाएगा, चढ़ता जा रहा है, इसका थीटा कम होता जा रहा है, तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है थीटा क्या होता जा रहा है, लेस, कम हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक आपको ये बताना होगा, इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चंस हैं, पहला इसमें नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, ये पहला क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन जैसे जैसे ये ऊपर चढ़ेगा नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये क्वेश्चन आएगा। पहला आएगा नॉर्मल रिएक्शन और दूसरा इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज कैसे, जी कॉस थीटा आएगा, ऐसा ही कुछ, पर नॉर्मल रिएक्शन गलत बोल रहे हो। देखो इसमें नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा ये देख लो प्लीज, बनाओ इसमें नॉर्मल रिएक्शन एन बनाओ, ये इंक्लाइन प्लेन की तरह डायग्राम बन गया। अगर आप चेक करो इसका वेट कहाँ एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट वेट का इधर जाएगा और एक इस कार को नीचे लेके जा रहा है, ये कंपोनेंट क्या होगा, एम जी कॉस थीटा हो, कॉस थीटा इंक्लाइन प्लेन, और ये क्या होगा एम जी, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है जो इंक्लाइन प्लेन का था, बन गया। अगर मैं ये पूछूं नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या है, बोलो क्या है, एम जी कॉस थीटा, ये तो इंक्लाइन प्लेन में भी यही था, पर ये इंक्लाइन प्लेन से हट के क्वेश्चन है, एम जी कॉस थीटा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें क्या है, ध्यान से देखना, आपको कि क्यों नहीं है, दिख तो रहे एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, बिल्कुल सही है। ये व्हीकल चल रहा है और किसमें घूम रहे हैं, इन सर्कल, ये देखो सर्कल, सर्कल में घूमने के लिए कौन सी फोर्स चाहिए, सेंट्रिपेटल, जो कहां करती है टूवर्ड्स, बोलो फिर सेंटर की तरफ जाने वाली फोर्स बोलो कौन है, एम जी कॉस थीटा, लेकिन अपोज कौन कर रहा है, एन। अब न्यूटन क्या कहता है कि नेट फोर्स कहां चाहिए, टुवर्ड्स सेंटर, कौन बड़ा है, एम जी कॉस थीटा की एन, एम जी कॉस थीटा। तो इसके अंदर नेट फोर्स एम जी कॉस थीटा माइनस एन, और यही टुवर्ड सेंटर है और यही प्रोवाइड कर रही है सेंट्रिपेटल फोर्स। भाई सर्कुलर का क्वेश्चन हो और एम वी स्क्वायर बाय आर यूज ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, सर्कल का क्वेश्चन ऐसे कैसे हो गया, सर्कल में बॉडी कैसे घूमगी। तो इसलिए एन एम कॉस थीटा एम जी कॉस थीटा के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर वो इक्वल हो गया तो ऐसे केस में नेट फोर्स जीरो हो गई, सर्कल में कैसे घूमेगा। तो सर्कल में घूमने के लिए नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर ही चाहिए, और सेंटर की तरफ फोर्स एम जी कॉस थीटा है, लेकिन ऑपोजिट में एन है, तो बड़ी में ये इसको बड़ा होना पड़ेगा नेट फोर्स सेंटर की तरफ करने के लिए। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आएगी एम जी कॉस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर। अब ये सारी की सारी टर्म क्या है, कॉन्स्टेंट है। अब थीटा की वैल्यू क्या होती जा रही है, डिक्रीज, ऊपर चढ़ने में थीटा डिक्रीज, जब थीटा डिक्रीज होता है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज। थीटा जीरो हो गया तो कॉस जीरो तो वन होता है, तो इसका मतलब इंक्रीज, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू भी क्या होगी इसमें, इंक्रीज, क्योंकि थीटा जब कम होगा कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, ये वाली वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू बढ़ेगी, तो एन भी बढ़ेगा। तो अब शॉर्टकट सुन लो ऑब्जेक्टिव में, जब भी कोई गाड़ी ओवर ब्रिज के ऊपर चढ़ेगी सीधा ऑब्जेक्टिव मार्क करना है, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा, और अगर जब नीचे उतरेगी तो नॉर्मल रिएक्शन घटेगा, ये ऑप्शन मार्क कर लेना।